खेत में दबंगों द्वारा जमीन पर किए गए कब्जे की शिकायत लेकर पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है। यहां उसने एसपी से कब्जा हटवाए जाने की गुहार लगाई है। मामला थाना कुराली क्षेत्र के ग्राम मनोना का है। यहां के निवासी महावीर सिंह पुत्र गोपीलाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए शिकायती पत्र में बताया कि गांव में उसकी पैतृक जमीन है, जिस पर गांव के ही दबंगों द्वारा उसकी पैतृक जमीन पर कब्जा किया गया है। इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन दबंगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जिससे उनके हौसले बुलंद है। लगातार दबंगों द्वारा पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कब्जा हटवा कर निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की है। महावीर, क्या मामला है, पूरा बात बताओ। पूरा मामला ये है सर, जो है हमारी पैतृक भूमि है, जिस पर हम अपने मकान बना दे, विपक्षी नहीं बनाने देते, दबंगी से जो है कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर मना करने पर जो जान से मारने की धमकी देती है, उनके पास राइफल और जो है बंदूक भी है। कौन लोग हैं? वो जो है नारायण दास, सामले, रघुवी, शिषपाल, रामनाथ, अशोक, सोबरन। आपका फैसला जब आरओ कोर्ट से हो गया था, हाँ जी, पर उसमें क्या हुआ? उसमें जो उनके नाम जो है निरस्त किए गए। नाम निरस्त करने के बाद में जमीन मेरे नाम पर अंकित हो गई। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, अब वो फ्रेश मेरे तीनों भाइयों के नाम पर अंकित है, जो वर्तमान खतौनी में अंकित है। लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हो? मैं जो है कब्जा छुड़वाना चाहते हूँ।